हाय, दिस इज़ मीरा नागपाल एंड आई एम ग्लैड यू मेट टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ़ आवर समझे सीरीज हमारे साथ आज हैं रीमा नथानी जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आज हम उनसे बात करेंगे सबसे कॉमन प्रॉब्लम पे विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेस हाय रीमा जी हेलो आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ पूरे दिन के बाद जब मैं वापस घर आती हूँ या मेरे फ्रेंड्स जब आते हैं हम लोग एक ही बात कहते हैं कि यार इट वॉज अ वेरी स्ट्रेसफुल डे दस साल का बच्चा भी कहता है भाई आज मुझे बहुत स्ट्रेस है मेरे को बहुत होमवर्क मिला है पढ़ाई तो करनी है उसे सिर्फ इनफैक्ट कई लोग जो हॉलीडे पे जाते हैं वो भी हॉलीडे से आके कंप्लेन करते हैं कि बहुत स्ट्रेस है उनमें से मैं एक हूँ बात ये है कि हर एक की डेफिनेशन स्ट्रेस की अलग अलग है आपकी डेफिनेशन क्या है स्ट्रेस की तो जो स्ट्रेस होता है वो हमारे शरीर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है और ये तब होता है जब हमारे एनवायरनमेंट में डिमांड्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और हमारी जो एबिलिटी होती है उनके साथ कोपअप करने की वो कम हो जाती है okay. तो जब कोई व्यक्ति किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग परसीव करता है यानी बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग परेशानी भरा परसीव करता है तो उसके लिए उस सिचुएशन से डील करने की कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी कम महसूस होती है उसे जिसकी वजह से वो स्ट्रेस महसूस करता है आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि हर एक व्यक्ति का स्ट्रेस को देखने का नज़रिया अलग होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति स्ट्रेस को डिफरेंट तरीके से महसूस भी करता है एक्सपीरियंस भी करता है तो जब भी हमारे पास उस सिचुएशन के साथ डील करने की कैपेसिटी नहीं होती तो हमारा शरीर या तो फ्लाइट या तो फाइट रिस्पॉन्स से रिएक्ट करता है अच्छा तो ये फ्लाइट एंड एन... फ्लाइट रिस्पॉन्स आप बताएंगे इसके बारे में फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आप हमारे शरीर का एक अलार्म सिस्टम समझ लीजिए Uh, जब हमारा शरीर एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसके पास इस सिचुएशन को डील करने का तरीका नहीं मिलता है तो या तो वो फ़ाइट करता है या तो वो फ्लाइट करता है तो हमारे शरीर में इसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज़ हो जाते हैं जैसे कि एड्रीन या कॉर्टेसोल अच्छा। जो कि हमारे शरीर में कुछ शारीरिक रिस्पॉन्स को जन्म देते हैं जैसे जब आपने नोटिस किया होगा हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है या फिर हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है क्विक हो जाती है तो इस तरीके के कुछ शारीरिक रिस्पॉन्स भी आ जाते हैं जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और कॉम्बिनेशन और इन सारे रिस्पॉन्ज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं तो अगर हम उस सिचुएशन को जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही है अगर हम उसे फेस करते हैं तो उसे हम फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं ठीक है लेकिन अगर हम उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते हैं और वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करते हैं भागने की कोशिश करते हैं तो उसे फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं ओके तो इसे आप ऐसे समझिए कि एक बच्चा स्कूल में जो होमवर्क नहीं करके गया है उसकी टीचर जब उससे पूछती है कि तुम होमवर्क क्यों नहीं कर कर आए तो अगर तो वो अपनी टीचर के सवाल का सामना करता है और जवाब देता है कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई इसका मतलब कि वो फाइट कर रहा है उस सिचुएशन से लेकिन अगर वो ऐसा कुछ बहाना बना रहा है कि मुझे ना सिर दर्द हो रहा है पेट दर्द हो रहा है मेडिकल रूम में जाना है इसका मतलब वो सिचुएशन से फ्लाइट कर रहा थीक है ठीक है ठीक है सो इट्स अबाउट एक्चुअली फेसिंग द सिचुएशन